मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे काशी में आने का अवसर मिला और आज संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी श्री गणेश करने का मौका मिला है। मैं इसी मंच से प्रयागराज में भी जहां कार्यालय का उद्घाटन रिमोट का बटन दबा करके किया गया वहां के भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आया हूं। यह पवित्र धरती तपोभूमि, ऋषि मुनियों की कर्म भूमि। कल ही हमने संत रविदास जी का जन्म जयंती मनाई, उनका भी जन्म स्थान यही है। ऐसे काशी विश्वनाथ की धरती को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये भव्य क्षेत्रीय कार्यालय जिसका श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य मिला वह अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम में आएगा। मैं आज बैठा बैठा सोच रहा था 2014 में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे सौभाग्य की बात है कि काशी के सांसद सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी और एक लक्ष्य भी हमको दिया था। इच्छा यह जाहिर की थी कि देखो, मैं संगठन का आदमी हूं, प्रधानमंत्री बन गया हूं, पार्टी आप सबने चलानी है, पार्टी को आपने बढ़ाना है। मैं लंबे समय तक संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का रहा, क्षेत्र का रहा, देश का रहा, कोई ऐसा जिला नहीं था जहां नहीं घूमा, प्रवास नहीं किया। हमारी पार्टी के संगठन दो कमरों से चला करते थे, दो कमरों से। आज पार्टी का विस्तार हुआ है, भारत में सबसे अधिक सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनी है। पार्टी को आगे बढ़ाना है इसलिए सभी जिलों में हमारा भव्य कार्यालय होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो उन्होंने सपना हम सबके सामने जब रखा, लक्ष्य रखा, तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री और उस समय बने नए पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लक्ष्य रखा गया कि 700 से अधिक कार्यालय बनेंगे और आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने हैं। 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। मैं यहाँ के इकाई को, उत्तर प्रदेश की इकाई को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये भव्य कार्यालय बनाकर कार्यालय कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित किया है और ये कार्यालय कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक माध्यम बनेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।